यदि आप भी स्केचिंग और ड्राइंग करते हो गाइस और आपका पेशेंस लेवल काफ़ी लो है, आप कम समय में बहुत ही अच्छा रिजल्ट की अपेक्षा करते हो, तो आप सही वीडियो पे आए हो। बिकॉज जो हम पेंसिल स्केचेस करते हैं गाइस, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ड्रॉ करने में, बट टाइम तो यहाँ भी लगने वाला है। बट हाँ, कुछ आप स्मार्ट तरीके से ड्रॉ करे होगे कुछ मीडियम का हेल्प लेकर, तो आप जल्दी ड्रॉ कर सकते हो। बिकॉज ग्रेफाइट एक ऐसा मीडियम है गैस जिसमें आपको लेयर बाय लेयर वर्क करना होता है, तभी जो आपका स्केच है वो रियलिस्टिक दिखता है, वो एक अच्छा दिखता है। तो गैस यह वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर सुनना, बिकॉज मैं यहाँ पर अपनी जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एंड आई होप ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा एंड हेल्पफुल होगा। सो यदि आप कुछ सीखना चाहते हो आज के इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ऑल राइट गाइस, मैं अब अपने ट्यूटोरियल पर आता हूँ। जैसे कि आप पहले देख चुके होंगे, मैं यहाँ पर आउटलाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका था, और यहाँ पर अगर मटेरियल की मैं बात करूँ गाइस, तो मटेरियल मैं यहाँ पर यूज़ में लिया हूँ जो कि ग्रेफाइट है और चारकोल है। अगर यहाँ पर चारकोल पेंसिल्स के बारे में बात किया जाए गाइस, तो मैं यहाँ पर कैमलिन की न्यूट्रल और सॉफ्ट ग्रिट की चारकोल पेंसिल यूज़ में लिया हूँ, और साथ ही कैमलिन की जो स्टिक आती है वो चारकोल का, उससे मैं पाउडर क्रिएट किया और वो पाउडर भी मैं यहाँ पर यूज़ में लिया हूँ। और ग्रेफाइट पेंसिल मैं यहाँ पर फेवर कैस्टल का, जो कि 50 रुपीज़ में आते हैं 6 शेड्स, वो मैं यहाँ पर यूज़ लिया हूँ। जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स ग्रेफाइट पेंसिल्स के बारे में, तो ग्रेफाइट में हम बेसिकली जो ड्रॉ करते हैं वो लेयर बाय लेयर करते हैं। जो हमारा पेंसिल्स के जो शेडिंग होता है, जो हम शेड करते हैं, वो लेयर में हमको करना होता है, लाइक लाइटर टू डार्कर की ओर, तभी जो हमारा वर्क होता है वो रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक, आप जिस तरह से भी ड्रॉ कर रहे हैं वो एक अच्छा लुक आता है। अदरवाइज सारा मिक्स टाइप सा हो जाएगा। जो शेडिंग अगर हमारा ख़राब है, तो जो आपका पोर्ट्रेट है या फिर जो भी आप ड्राइंग कर रहे हैं वो एक रियलिस्टिक नहीं दिखेगा। बट फ्रेंड्स, आज मैं कुछ अलग तरीके से आपको बताने वाला हूँ जिसमें आपको कम मेहनत करना होगा। अगर मुझे यहाँ पर ग्रेफाइट पेंसिल से पूरी तरह से ड्रॉ करना होता, तो मेरा एक्चुअल टाइम अप्रोक्स 10 से 12 घंटा लग जाता इस पोर्ट्रेट पर, बट गैस मैं इसे सिर्फ 6 घंटे में कंप्लीट किया हूँ। इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए गैस, सबसे पहले तो जो मैं आउटलाइन ड्रॉ किया था उस पर HB ग्रेड की पेंसिल से आउटलाइन को डार्क किया, सो दैट की जो लाइन्स हैं वो हमें क्लियर तरीके से विजिबल हो। और जब आप वीडियो बनाते हो गैस, तो आपका नेक का पोर्शन भी काफ़ी आपको स्ट्रेट रखना होता है, सो दैट की वीडियो में ना आए, और थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता है वीडियो शूट करते टाइम। जिस भी पोर्शन पे मैं वर्क करना स्टार्ट किया गया, सबसे पहले तो मैं वहाँ पे जो आउटलाइन है उसे हल्का डार्क किया HB ग्रेड की पेंसिल की हेल्प से, एंड अगेन मैं चारकोल पाउडर यूज़ किया। जो चारकोल पाउडर है हमारा, उसे एक पेपर पे लेकर ब्रश की हेल्प से, जो हमारा मेकअप ब्रश होता है उसकी हेल्प से, मैं उसके शेड्स को थोड़ा कम किया, लाइट किया, एंड जो एक हमारा बेसिक लेयर है गाइस, वो मैं चारकोल पाउडर से दिया। बिकॉज किसी भी पोर्ट्रेट या किसी भी सब्जेक्ट पर जब आप ड्राइंग करते हो, तो बेसिक लेयर जो आपका है वो देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर पेंसिल से मैं अप्लाई करता, जो ऑक्स है वो अगर आप हैंडल नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम होता है, और काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम लगता है उस चीज़, सीधे पेंसिल से आप अगर ड्रॉ करते फर्स्ट लेयर दो। बट यदि आप चारकोल पाउडर का यूज़ करते हो, चारकोल का यूज़ करते हो, तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय बचता है, आप काफ़ी जल्दी। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने फर्स्ट लेयर जो चारकोल पाउडर है हमारा उससे कंप्लीट किया, एंड अगेन जो रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर HB या फिर 2B ग्रेड की पेंसिल से फिर शेड किया, बिकॉज चारकोल के ऊपर आप लेटर ग्रेड की पेंसिल्स थोड़े अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हो। आप चारकोल के ऊपर ग्रेफाइट अप्लाई कर सकते हो, बट ग्रेफाइट के ऊपर आप चारकोल ईजिली अप्लाई नहीं कर सकते। चारकोल पाउडर यूज़ करने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ गैस कि जो हम लेयरिंग करते हैं ग्रेफाइट में, उससे मैं यहाँ पर बच गया, और काफ़ी कम समय लगा मुझे रिजल्ट पाने में। एंड अगेन मैं उन्हें ब्लेंड कर दिया रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और बहुत से लोग ब्लेंडिंग पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें फेस करना होता है गैस, तो काफ़ी सिंपल है। अगर आप पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हो गैस, मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग के लिए यूज़ किया हूँ कॉटन बर्ड्स और मेकअप ब्रशेस,
और किसी जगह पे मैं ब्लेंडिंग स्टम्प भी यूज़ में लिया हूँ। इन सारे ब्लेंडिंग टूल्स के अपने अपने फ़ायदे हैं गैस, उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर ब्रश की बात करो तो ये आप थोड़े छोटे से बड़े एरिया पे आप अप्लाई कर सकते हो जहाँ आपको शेड करनी है, बट कॉटन बड्स का यूज़ आप स्मॉल एरियाज पे कर सकते हो। आपका जो कॉटन या फिर जो टिश्यू पेपर है उसे आप बड़े एरिया पे स्मच करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स, जो हमारा हेड है, हेड के बैक में भी मैं यहाँ पर चारकोल का यूज़ किया हूँ काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज मुझे डार्क शेड्स चाहिए था। एंड अगेन आप यहाँ पर देख रहे होंगे गाइस, मैं हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ। हैंड ड्रॉ करने के लिए भी मैं यहाँ पर कुछ ग्रेफाइट्स पेंसिल और चारकोल का यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं जो आउटर जो आउटलाइंस हैं जो हैंड के, वो मैं यहाँ पर ऑप्ट कर ले रहा हूँ, सो दैट कि किसी भी तरह का जब हम चारकोल से जो हैंड के बगल में जो जब शेड करें तो मिक्स ना हो जाए हमारा आउटलाइन उसके साथ। और एक और ख़ास बात गाइस, मैं यहाँ पर हाइलाइट्स के लिए बेसिकली यूज़ किया हूँ नीडेड इरेजर और पेंसिल इरेजर। आप पेंसिल इरेजर की जगह पे टॉम्बो इरेजर भी यूज़ में ले सकते हो गैस, और एक मैकेनिकल पेंसिल जो कि पेंटल ग्राफ गियर 1000 है। आप कोई भी मैकेनिकल पेंसिल यूज़ में ले सकते हो। इस पोर्ट्रेट में मैं सारे जगह लगभग जो टेक्निक है गैस मैं सेम यूज़ किया हूँ। सबसे पहले मैं चारकोल पाउडर की हेल्प से फर्स्ट लेयर अप्लाई किया, एंड अगेन सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर ग्रेफाइट पेंसिल्स के हेल्प से अकॉर्डिंग टू लाइट टू डार्क की ओर करते हुए रेफरेंस के अकॉर्डिंग, एंड उन्हें जिस भी ब्लेंडिंग स्टम्प हो या फिर जो ब्रशेस हो, जिस भी ब्लेंडिंग टूल से स्मज करने की ज़रूरत थी उसके हेल्प से स्मज किया और एक रियलिस्टिक इफेक्ट देने का कोशिश किया रेफरेंस के अकॉर्डिंग। इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है गैस, और किसी तरह का आपके माइंड में अगर क्वेश्चन हो या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। या फिर आपको अगर रियल टाइम में ट्यूटोरियल चाहिए हो या फिर किसी पर्टिकुलर खास किसी भी ऑब्जेक्ट पे समझाने के लिए अगर आप ट्यूटोरियल चाह रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और एक बात गैस, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट पे ड्राइंग करते हो, पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, कुछ भी हो, हाइलाइट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है गैस। अगर आप शेडिंग कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आपका अच्छा शेडिंग है, ब्लेंडिंग है, बट जब तक आप रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो हाइलाइट पोर्शन है गैस वो अगर आप अच्छे तरीके से हाइलाइट्स क्रिएट नहीं करते हो तो आपका पोर्ट्रेट है या फिर जो भी आप सब्जेक्ट पर ड्राइंग किए हो वो एक अच्छा लुक नहीं आएगा। एक अच्छा जो एक नेचुरल दिखना चाहिए उस तरह से आपका नहीं दिखेगा। सो ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गैस। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो हैंडमेड टैटूज़ बने हुए हैं, वो पहले मैं आउटलाइन को डार्क एक एचबी ग्रेड की मैकेनिकल पेंसिल से ड्रॉ किया, एंड अगेन मैं वहाँ पर स्मज कर दिया ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, जो हमारा मेकअप ब्रशेस है उसके हेल्प से। एंड अगेन जहाँ पर हाइलाइट्स थे वहाँ पर मैं नीडेड इरेजर या फिर जो पेंसिल इरेजर की हेल्प से हाइलाइट्स क्रिएट किया, और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गया मुझे ड्रॉ करने में। एंड अगेन गैस, जो टी शर्ट है वो मैं यहाँ पर चारकोल स्टिक की हेल्प से डार्क करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क कर देता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रहा था, बट उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता और एरिया बड़ा था, तो मैं यहाँ पर कॉटन का यूज़ किया। सो आई होप गैस यही था इस वीडियो में, आई होप आपको पसंद आया। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।